बजा इन्हें चीख मार के मेरा प्यार अपने मन ला लिया थी। यो कमी का पुत्र मार कमी कामयाब हो गया थी। झूठा बादरा ये तू मेरी पहली चीख बदान हार गया तो डर मेरी दूसरी चीख को लो जिधर निकलन तो पहले मनो इतो जान दे ये मेरा काका वीर आ गया तो तेन जान बचाने मुश्किल हो जाएगी। फिर अनुवाज मारना नहीं ये आ गया तो फिर अपनी अखा वेख ली जान बचानी मुश्किल होगी। चल मैनू तुम मेरे पिंड की धी चुक लिया है मैं तेरे नाल का शोधा आंदा तो तेरे पिंड दी सारिया धीया चुक ले जाता तू जनानी से हाथ पा के मर्द वाला काम नहीं किया तो फिर तू मर्द वाला काम कर ला इन इतों ले जाके बता तू भी गल छड़ ते अपनी फिक्र कर रहे मैं तैनू लैन ले आया चुप करके मेरे अगे लग के जुड़ पा नहीं तो याद रखी मैं तेरिया लत्तां बाहां बन के चल लै जाना जबान बंद कर कमिया। बहुत अच्छा जी चौधरी साहब कमी की जुबान बंद हो गई जी हाथ खुल गया जी अगे कोई ना बदे इस मैं आपे ही निकल लांगा साड़ी कोई दुश्मनी नहीं एक गल की मैं तुसी भी मैं अपनी इज्जत के दुश्मन लगी हो वो साथ क्या तू ताजी ने क्यों लेके आया चौधरी कादर बख्शा किसी बुरी नीयत नाल रब की सौ इन्हू नहीं लिया बाबरी अपनी हार का सबूत पेश करने इस मुटियार नू लाया है पता यह लगा इन्हें चीख मारी साडे जवान की नजर इधर पै गई काका मैदान जित गया हूं तो मैदान तुहाडे वेड़े विच लगा साडे चौधरी ने चीख मारी सी तो मेरे तो तुहाडा बंदा बच गया चुप कर जाओ काका ये साड़ी आपस की गल है चौधरी चौधरी गल्लां करते हो विच कमी नहीं बोलते चलिए चौधरिया की धी कमी भरा आखे ये गल अपनी समझ नहीं आई तो फिक्र ना कर साथ क्या ये जो कह रही है मैं सुन लिया मैं सके भरा नाल भी गल करांगा ते काके दी मां नाल सलाम चौधरी माई तने असली बुलाया सलाम तो जवाब दे ते फिर मैं पता है तुसा कोई रोह भी पाना है ना कोई हुक्म ही सुना है ना इसलिए तुसी चौधरी ते असी कमी तू ठीक समझी है माई देखो गल अपने पुत्र नु भी समझा दे जो कमी दे पुत्र बन के साडे पिंड टुरे फिरे पूरा ना मनाई चौधरी तुसानु अपने राह रख के नजैस कमाई इन्नी क खुआई है के हुण नु चौकीदार दा पुत्र नहीं रहा माई असी चाहे चौकीदार दा पुत्र ही रहे ते फिर उन्होंने मां प्यो दे घर दी रोटी खान दियो जो तुहाडियां रोटियां ते लगा रहा ते फिर एक दिन वो भी तुहाडे वांग मां दे सलाम दा जवाब नहीं देगा ते फिर हम जाके साडे को बेइज्जत पुटिए साडा झूठा मीठा खा के जरा वखरा खोल दे जिसे जा गया जो साडे समय चुकया ना असि खून चढ़ नहीं लागे फिर मैं शुक्र करांगी चौकीदार दे पुत्र इस हलाल दा खून दे जाएगा हराम दी कमाई दा सारा ही निकल जाएगा चौधरी जी काके ने इतने नहीं आना मैं तो कहना आप भी रफड़ी और यार है बुला के चार नित्र मारो वही चोरा सुन के फौरन इतने आ जाए चक्री ने गल बड़ी सियाने की चौधरी जी कहना कल भी ठीक है जी चुप करा तो दोवे बेवकूफ बेइज्जती ओनी करी दी जी कोई इज्जत 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 तो ताडे सवास ही किसी की अज तक वेखी नहीं नहीं होए काके का ना साढ़े पिंड का अलावा बारों पार तक बोलता और तुम तो चौधरी जी इज्जत बिजली के चक्कर च पे हो मैं तो कहना आप भी उन्होंने बुला के इतने चार नित्र मार दे सानू भी जरा ठंड पै जाती साड़ी भी कोई वैल्यू तो वैल्यू हो जाती और तेरे को इन्नी नोट ने जिथे खर्च करेगा जो चाहेगा हासिल कर लेगा हो
खर्च किथे कर। इस कमीने नु हर वेले अपने रकीब का वक्त प्या रहा है, यह चाहता है किसी तरह मना रफड़ी बच जाए। आहो मां, चौधरी ने राती मेरा मैच मौत ना पास करा। बस है समझ ले मां, तेरी दुआ बरकत नाल मैं मौत को भी मैदान जीत लिया। ते पता ही हूं सारा पिंड पिया कहना है काका चौकीदार जिंदाबाद। काका चौकीदार नहीं वे, काका चोर, काका स्मगलर, काका डाकू, काका इस खैरता वाली धरती का बेगैर पुत्र आख। मां मैनू मां न कहो वे, नहीं तो मैं पूछ लवांगी मेरा चौकीदार पुत्र कित्थे वे। तेरा पुत्र मैं मां। वे तो ते चोर चौधरियों का जूठा मिठा खा के आज चोर हो गया। मेरा पुत्र तो चौकीदार का पुत्र ही, जिदे प्यो ने अपनी जान देती सी, पर इस देश का माल दूजे देश ने जान दिता। वे उन्हें ते माल लेके जान वाले दे हाथों बढ़ते सन, ते तू अपने हथी बचाए। वे तो ते धरती मां का पुत्र नहीं बनिया, ते मेरा पुत्र किस तरह बनना है? एक महीनिया एक ते सोच, तेरे चौधरी चोरों की औलाद सन, उन्होंने चोरी नहीं छड़ी। तू तो चौकीदार का पुत्र है वे, तो चौकीदारा ही छड़ गया। मैं माफ कर दे मां, मैं अपनी असीयत भी भूल गया सा, अपना फर्ज भी। मैं अपने मोए हुए चौकीदार प्यो की सौई, जे मैं उदा पुत्र हाँ ते आज तो सिर्फ एक चौकीदार हाँ, सिर्फ एक चौकीदार। वे जो चौकीदार बन गया इस पिंड का, तो फिर इस पाक सर जमीन के असीम राखे के निशान को सलाम कर, जिन्हें इस पिंड का निशान नहीं मिटन दिता, तो रब ने उन्होंने निशाने हैदर दिता। फिर मेरी बाह फड़ के मैं पाकिस्तान के अजीम राखे के निशान के कोल आप लै चल मां। सलीस कमी ने तुम पेटा बना दिता हो, हर रोज साडा एक अंदा बंदा मार दिता है, या पुलिस हवाले करा दिता। याद रखो है, मेरी हफ्ते के अंदर अंदर समाप्त ना हुई तो मैं जेल बाहर आ जाना। जे मेरे बाहर आने जड़िया जड़िया तकलीफा तुम सहनिया पैनिया ने, और सहने तैयार हो जाना। बाबरी असि तेन को कह लिया है सर, अज रात बंदा मारिया जाएगा या कल सवेरे जेल जा जाएगा। फिर उन्हें जेल भेजना, मैं उन्होंने अपने हाथों में कतल ना किया, मेरे सिर से मेरे हाथों का उधार रह जाएगा। जो जाग बेरा रवैया अच इस पिंड के किड़े राखे जाग पे आवाज पहले तक कदे नहीं सी सुनी। आख लिया किड़े ने खबरदार भैया। और नाम सिंगा, मैं चौकीदार हाँ, ते मैं कसम खादी हुई है स्मगलिंग दा माल मेरे भी हाथ विच होया तो मैं अपना हाथ वट दियांगा। मैं तेरा इना को लिहाज कर सकना, जो कुछ लेके आया इतने सुट जा, ते ज्यों दा वापस टुर जा। ओ पाओ क्यों हो गए, ओ याद नहीं रहा सी तेरी था ते मरण लई खो गए सके। उस रात मैं स्मगलर सा हरनाम सिंगा ते हद नू हद लाता सी, अच मैं चौकीदार हाँ। मेरा कोई भी सज्जन चोर बन के इत्थे आया तो मैं गौरिया ना छानी कर दियांगा। ओ जे तू सौ खाए यू काका, ते फिर मैनू अपना दुश्मन ही समझ।
ते मेरा सोया नहीं जे वो मेरे सामने पहाड़ भी खोता हो ते सौ गुरु की मैं विचों चीर कर लंघ जाता यार। तेरा इन्ना भी लो नहीं सी वगन देना
करना, नहीं तो एको जी सजा देंगा कि जेल में बाहर जाके भी याद करोगे। मैनू दसो ताड़ा की झगड़ा है। जनरल साहब, नीच कमीना कमी है, मैं चौधरी अपने इलाके में। साहब बहादुर जी, जो डाकू स्मगलर है मैं चौकीदार इस कमी ने साड़ी पग नू हाथ पाने का चारा किया। जनाबे अली, जो डाकू मेरे को मेरे चौकीदार का हक खोन आया सी, मैं इन्हीं चोर साबित करके अंदर करा दिता। लो ऐनी जी नहीं गल जी। इसका मतलब है कि झगड़ा कमी का चौधरी का। जी जनाब। साहब बहादुर, एन कहो मैं सलाम करे तो मैं अपनी बालक तुर जाना। क्यों भाई, की ख्याल है? पहले ये को पुछो मेरे बादशाह कि इन मेरे च कमी की नजर आती है। दो हथे दे दो मेरे, दो अखें दो ही मेरिया, दो पैर इस दो ही मेरे। ये भी जेल च जनाब चौधरी साहब खलोते ने सजा भुगतना आए ने, मैं भी जेल च खलोता है जनाब। सी क्लास इन्हों मिली, जो सी क्लास मैनू मिली है तो फिर सरकार इन्हों को पुछो तुम इन्हों मेरे च कमी की नजर आती है। और तुम इस क्रांच पैदा होते हो, फिर जमीन हो, जिम्मेदार चौधरी। गल सुना चौधरी, मरण तो बाद कबर जिनी जमीन ही तुहाडे हिस्से च आंदी है, ते कबर जिनी जमीन ही सानू मिलनी है, तां सवै मरण तो बाद केड़ा फत जमीन लै जांदा है। गल बड़ी माकूल कीती है चौकीदार ने। और सुना चौधरिया, सर सन जमीन पिछे सत्ता पुछता तो लड़न वाले हो, मैनू पैदा करन वाले दी सोए कदी इस धरती पिछे सिर दे के वेखो, ते जिस दिन जाच आ गई तुहानू इस गल दी, फिर जिथे तुहाडे सां टुटणगे उथे निशान बनणगे, जिथे निशान बन गए फिर निशाने हैदर मिलेंगे। माशाल्लाह, बड़ा सोहना पैगाम है। क्यों दिता? कमी तो चौधरी के फर्क का पता लगा ही कि नहीं? तो जे नहीं लगा तो मेरा एक मशवरा मन, किसी रात चौकीदार का लिबास पा के खलो, मनु पैदा करने वाले की सौ तेरे ज सारे चौधरी तेन चोर लगे। सानू महसूस होया है कि तू इस पाक धरती का सक्का पुत्र है। असी कोशिश करांगे कि तेनू जिंदा रखा जाए, ते नाले सानू यह भी यकीन है कि तेरा चौधरी आज तो बाद अपने आप नू चौधरी कोई सोच समझ के जखवाएगा। सलाम साहब जी। हम दुनिया की कोई ताकत तेन नहीं बचा सकती। तुसी हिंदू, सिख, ईसाई ते मुसलमान, मैं सवाल करनी है ना चौवा मजहबा ते, वे ओ केड़ा मजहब है जेड़ा मजलूम औरत ते जुलम करन ते इज्जत लुटन दी इजाजत देंदा है? साडा मजहब शराब है, तेरी पूजा नहीं। सानू औरत चाहिए। अगर ना मतना पता नहीं जे मेरे वीर ने भैन आख्या है। तेरे भरा ने एनू साडे कोलो छुड़ाने की कोशिश की थी, ते असी ओनू कोठड़ी च बंद कर दिता, ते हुण तू साडा रस्ता रोकण आई है, ते असी तेन अपन बाव चुका। चौकीदार तू? चौकीदार तानू यह दसन आया है, चोर समुद्रों पार भी टुर जाए तो चौकीदार उदा पिछा करता है। हथियार सुटदा नहीं तो मैं गोली मार दिया। मैं तेन मैं फिर कहना हथियार सुट दे।
मैंने भीख की जान मिली। रखन लगी जे मेरे पुत्र का नाम जे शहीद।